आज हमें हैं मिस्टर आयुष जडेजा, जो गुजराती फिल्मों के सुपरस्टार हैं। आइए उनसे मिलते हैं, बात करते हैं क्या क्या चल रहा है, क्या क्या आने वाला है। जडेजा साहब, स्वागत है इंडिया आज तक में आपका। थैंक यू, शुक्रिया। और क्या चल रहा है आजकल? मेरा अभी एक गुजराती फिल्म करके आया हूँ मैं, पाटन थी पाकिस्तान में। लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगी, जैसे पाटन से पाकिस्तान में गया हूँ। और मेरी पहली फिल्म थी गुजराती, मई सागर ना सोगन, जो फर्स्ट गुजरात में मैंने पैर रखा था। और फर्स्ट मैंने वो विलन की थी। जब मैं वो विलन कर रहा था तो नेक्स्ट डायरेक्टर जो आए थे तो उन्होंने बोला कि आप विलन क्यों कर दो, बोला जो भी कैरेक्टर मिले वो करना चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक्टिंग करनी है। बोले नहीं, आप हीरो कर दीजिए। तो उसके बाद मैंने जितनी 29 फिल्में की एज ए हीरो की, और अभी भी मुझे नेगेटिव वगैरह आता है तो नेगेटिव। किस सन में आपका शुरुआत हुई थी एज एन एक्टर? कम से 8 साल हो गए। कौन कौन सी फिल्में, कोई खास कोई हिट सुपर हिट आपकी जो फिल्में रही हैं? मेरी हुई थी, आपने सारनपुर, हनुमान जी का नाम सुना होगा, सारनपुर। अच्छा, जहाँ गोविंदा जी बहुत मानते हैं। हाँ हाँ, हनुमान जी को कष्ट भजन देव बोलते हैं, उनकी की थी मैंने रामदास। अच्छा, और अभी जो हिट हुई प्रीत भरी ओढ़नी, अच्छा, तारो मारो संग नहीं छूटे, अच्छा, साचो सुख गुजरात माँ, जय आशापुरा माँ, माँ मोमाई तारो परम्पार। हाँ हाँ, फिर आई अभी मन मोर बनी थनगाट करे। अच्छा, फिर आई हरपाल दे शक्तिमान अमर रजवाड़ा। ओके ओके, काफ़ी मतलब काफ़ी हैं। एंड इसमें किस किस तरह के रोल आप प्ले करते हैं? जैसे मैंने कॉलेजियन रोल किए हैं, जैसे एक ड्यूट रोल लेते हैं कि कॉलेज में एक हूँ और एक टपोरी लड़का जो एक छेड़ता है हीरोइन को, वैसे जो एक मूवियाँ रहती है जो केबल फाइट भी रहती है उसमें। और सर मोस्टली जितने गुजरात के मास्टर उनके साथ कर चुका था, इलियान मास्टर जी, दिलीप जी। कौन सा ऐसा रोल विच यू एंजॉयड मोस्ट इन योर गुजराती मूवीज? मैंने सबसे अच्छा एंजॉय अगर रोल किया तो रामदास का। अच्छा, क्योंकि रामदास में मेरा ऐसा रोल था जैसे सैफ अली खान और जबी मीट में जो था। अच्छा अच्छा, करीना कपूर, वैसा रोल था। बहुत बढ़िया, जो बहुत हीरोइन पकाऊ रही थी। ओके, तो पूरे रास्ते भर पकाते रहती और मैं बोलता हूँ ये मेरी गाड़ी है। हाँ, हाँ, तो क्या हुआ तुम्हारी गाड़ी है? हाँ, मैं बैठी हूँ, मैं बैठी हूँ। बोला अच्छा चलो अभी मुझे चाय पीना है। हाँ, तो बोला मेरे लिए भी एक चाय लाना। हाँ, ये क्या बात हुई? बोला एक तो तुमने लिफ्ट मांगी। तो ऐसा एक फनी रोल। कौन हीरोइन थी उसमें? एक दिव्या पटेल करके थी। दिव्या पटेल। और कौन डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर जिसके साथ ज्यादा? डायरेक्टर थे मनोज नथवानी। अच्छा, और प्रोड्यूसर थे योगेश व्यास। और कौन कौन से प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिनके साथ में ज्यादा काम आपने किया? जैसे गुजरात के हिट जो है प्रोड्यूसर गोविंद भाई पटेल। अच्छा, जिनके आई ढोला मारू, जो मतलब सुपर डुपर हिट जितने देश से जो है दादा परदेश जो है। हाँ, उनकी जो लड़की की हरीश पटेल की, उनकी मैंने दो फिल्में की, देश परदेश और अभी पाटन थी पाकिस्तान। अच्छा, तो अभी फिलहाल क्या स्थिति है गुजराती सिनेमा की? कितनी फिल्में लगभग बनती हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं? बहुत बनती है सर। अच्छा, और फिल्में चलती भी है बट बाहर नहीं आती, गुजरात के वहाँ। गुजरात में रहती हैं तो बाहर उतना, बाहर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ओरिजिनल मूवी इतना बजट नहीं रहता उसका। हाँ हाँ, तो चल जाती है वहाँ के वहाँ, और सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है। हाँ, सब्सिडी और अवार्ड्स वगैरह भी मिलते हैं क्या? अवार्ड्स भी, ट्रांसमीडिया अवार्ड है, गवर्नमेंट से अवार्ड्स है। अच्छा, और छोटे छोटे जो सिने लाइफ अवार्ड है, सिने ऐश्वर्या अवार्ड है। तो अभी तक मुझे 6 अवार्ड ऐसे मिल चुके हैं जिसमें मैंने एक अंधे का रोल किया था। ओह ग्रेट, जो ब्लाइंड रोल रहता है पूरा देखना, तो उसमें मुझे एक अवार्ड मिला है। अभी मैंने एक जैसे संजू बाबा ने किया था कांचा चिना, उस टाइप का एक मैंने विलन रोल किया था। अच्छा, तो उसमें भी मुझे मिला, बड़ा ही खतरनाक विलन। तो ये सरकारी अवार्ड भी कोई है? गवर्नमेंट से, मोदी साहब अवार्ड से। अच्छा, उन्होंने दिया आपको? तो वो तो अभी हुआ नहीं 3-4 साल से। अच्छा, हुआ नहीं 3-4 साल से, तो वो अवार्ड मुझे अभी तक, जब होगा तब देखेंगे। तो अभी तो आपके लिए खुशी की बात इसलिए और ज्यादा होगी कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं मोदी साहब, वो प्रधानमंत्री बीजेपी की तरफ से ऑलमोस्ट घोषित हैं ही, तो क्या रिएक्शन आपका इसको लेकर है? नहीं, गुजरात के लिए मोदी साहब ने काफ़ी कुछ किया है, गुजरात को एक अच्छा बनाया, और मैं भी चाहता हूँ कि गुजरात की मूवी भी चले। हाँ, क्योंकि अच्छी मूवी बनाएंगे तो चलेगी। हाँ,
तो गुजरात जितना साफ सुथरा और अच्छा बनाया मोदी साहब ने, तो मोदी साहब भी यही चाहते हैं कि गुजरात की फिल्में भी अच्छी बने। और मैं हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब से कहता हूँ कि अच्छी फिल्में बनाए तो हम भी आगे बढ़ें, हम भी आगे बढ़े बराबर। और मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आपको लगता है गुजराती सिनेमा कुछ और ज्यादा पॉपुलर भी हो सकता है, ज्यादा आगे बढ़ेगा? ऑफकोर्स आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर फिल्में अगर चल रही है, अगर मराठी इतना आगे चला गया, भोजपुरी इतना आगे चला गया, तो गुजरात क्यों नहीं। तो मोदी साहब हमेशा चाहते हैं कि गुजरात को, और वो हमेशा किसी को भी ना नहीं बोलते, एक मूवी अगर कोई भी लेके आए सब्सिडी के लिए, बट अच्छी बनाओ, एक बजट की बनाओ, आप ऐसा ना बनाओ 30 लाख में मूवी बना दो जिसमें केबल भी अगर बनाया तो केबल भी तरीके से नहीं किया है, फाइट भी तरीके से नहीं की है, कोई ड्रेसिंग चेंज नहीं, कोई गाने सही नहीं है, तो ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। फिल्में बने जो 1 करोड़ 90 लाख ऐसा करो तो वो फिल्म बनती है अच्छी से। बराबर, मोदी साहब जी वही चाहते हैं कि अच्छी फिल्में बनाओ, साल में एक बनाओ बट अच्छी बनाओ। तो ये आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं गुजराती के, यही वजह है कि आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी एज ए लुक लाइक संजय दत्त जाने जाते हैं, या इसकी कोई और वजह? नहीं नहीं ऐसा, मैंने संजू बाबा का, मेरे गॉड फादर है, मैंने उनका स्टार्ट किया था जो एक बॉम्बे में आने के लिए एक्ट तो कभी होना चाहिए, किसी ने मुझे बोला था कि आप बाबा की तरह लगते, और मैं मिमिक्री आर्टिस्ट था ऐसी, तो मैंने संजू बाबा का भी मिमिक्री किया, उनका जितने भी जो काम होते थे तो मैं कर लेता था, संजू बाबा का बोलो, अभी जैसे मिमिक्री भी स्टेज पर भी कर भी करनी रही तो सनी देओल, राजकुमार, दिलीप जी, इनकी सबकी वॉइसें वगैरह करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो संजू बाबा का करते करते मुझे ऐसा लगा कि कभी तक ये वो करना चाहिए, जब तो फिर मैंने बुगी बुगी 8-10 बार किया। अच्छा। ऐसे बाबा का जितने एक्ट थे। और फिर बाबा से मिलने का भी मौका आपको मिला? 2 बार मिला, बट ऐसा एक जानते नहीं है मुझे ऐसा पर्सनली, क्योंकि मैंने उतना इन्वॉल्व हुआ नहीं। अच्छा अच्छा। कितने और कितने लोग हैं संजय दत्त के जो लुक लाइक या है, डुप्लीकेट हैं उनके? काफी है, मतलब मैं उतना उनके ये नहीं किया। उनको स्टडी किया आपने कुछ, कौन कैसा करता है? स्टडी नहीं किया, क्योंकि मैं उतना ये गया नहीं, कभी काम मिला तो किया, मिला तो किया, बट है अच्छे, मुझे उनकी पर्सनलिटी अच्छी लगती थी, और मैं मुझे बुलाते थे कि आप एक्टिंग की करो, तो मैं करता था। कोई ऐसा डायलॉग हम चाहेंगे आप संजू बाबा का जो आपने? अच्छा, संजू बाबा का तो फिल्म मुझे अच्छी लगी थी वास्तव, हाँ, उसका डायलॉग था, हाँ, टपोरी डायलॉग था, प्लीज। ए डेड पुटिया, अरे इसको समझा दे समझा दे, बोले तो अक्खा मुंबई पे राज करता हूँ, तेरा पुलिस वाला ना अपन को सलाम ठोकता है, ए सलाह कर गया ना, ए देख ए बाबा, ये ना घोड़ा 2 पेटी का है, ये 50 तोले का, 50 तोले का, ये तेरे लिए स्कोच ला ला हूँ, हाँ, ये ऐसा देखने का नहीं, रखने का तो रखने का, क्या बोला, ये कुछ करना पागल हो रहा हूँ मैं, अरे 2 घंटे की मिल जाए ना सबको लुटा दूंगा, अरे देख मेरा बेटा किसी चेंकी ने सो रहा है, कहता है बाबा स्क्रिप्ट खिलाओ ना, बाबा चौपाटी घुमाओ ना, अरे बोले तो कहाँ से घुमा सकता हूँ, अरे खुद ही पागल हो रहा हूँ मैं, अरे अरे देखना देखना मेरा बेटा, अरे अरे सोनू बोलते ना 18 साल का हो गया है, अरे उसको फ्रैक्चर पंडिया का लड़का ना मार डालेगा, अरे उसकी खिड़की बंद करना, अरे पागल हो रहा हूँ मैं, अरे थोड़ी सी कोकीन दे देना, थोड़ी सी अफीम दे देना, तेरा बेटा बहुत नशा करेगा, तेरा बेटा किसी की गेम नहीं जाएगा, तेरे बेटे को मुक्ति दे दे, अरे मुक्ति दे देना, अरे मुक्ति दे देना। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। तो ये संजू बाबा से तो जिस तरह के वो रोल करते हैं बच्चे तो डरते ही हैं उनसे। बच्चे वैसे कॉमेडी में बीच में रोल करते थे, बट मुझे उतना ये कॉमेडी का जितना नहीं लगा जो सीरियस करते थे सब रोल। तो क्या अभी टारगेट है, क्या मिशन, कोई ड्रीम, ऐसा सपना है आपका बाकी जो? ड्रीम तो बस ये है कि अभी देखो गुजरात से इतना जो मुझे स्कोप मिला कि मेरी मदर ने बोला था कि कभी तू गुजराती फिल्म में कर, ये वर्ड मेरा पहले मम्मी का था। अच्छा अच्छा। और हमेशा बोलती थी क्योंकि उनको गुजराती फिल्में हमेशा अच्छी लगती, वो पहले हम जब छोटे थे तब मम्मी का जब जागरण रहता था तो मम्मी, मैं बोलता था मैं हिंदी पिक्चर लाऊंगा, छोटा था ना, मम्मी बोलता तू 1 हिंदी लाएगा और 3 गुजराती लाएगा, हम लोग रात भर जगना है, तो मतलब हमने बोला आप ही हिंदी देखो, बता नहीं हमको गुजराती अच्छी लगती, हम 3 पिक्चर गुजराती देखेंगे, आप लोग लास्ट में 7 बजे जब सुबह होगी तब हिंदी देखो। तो उनको गुजराती का इतना क्रेज था, मुझे हमेशा बोलते थे गुजराती, आज मेरी मम्मी के सामने मुझे अवॉर्ड मिल चुके हैं जो गुजरात में, और मुझे गाँव में से लेकर हर जगह से जो मेरे होर्डिंग लगते हैं मुझे हर कोई जानता है, वहाँ का जो कोई बड़ा MLA का फंक्शन होता है या कोई भी होता है तो मुझे बुलाया जाता है वहाँ पे, स्कूल का फंक्शन होता है तो बुलाया जाता है, तो मुझे, मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं अगर मम्मी का सपना ही पूरा किया हो, यानी आपको अगर टिकट मिल जाए तो आप आराम से जीत भी सकते हैं, वो तो बोला भी गया है मेरे उधर वहाँ पे, बट मैं वो पॉलिटिक्स में नहीं, इंटरेस्ट इसलिए नहीं कि मुझे एक्टिंग में आगे जाऊँ, बहुत बड़ी बात है अभी, मतलब और स्कोप हो कि मैं एक, हर बच्चा मुझे गुजरात में जैसे जानता है, हर जगह जाना है,
अच्छा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में संजू बाबा के अलावा अगर हम देखें तो क्या आपका कुछ कोई ऐसा काम आपने किया है जो नोटिस? बी ग्रेड की ऐसी फिल्में होती है जो पहले आती थी, जैसे बॉम्बे गर्ल्स की थी मैंने, और एक राजपाल यादव जी के साथ मैंने की रामा रामा क्या ड्रामा, अच्छा, अनुपम खेर, नेहा धूपिया, हाँ हाँ, और ये अमृत अरोरा, उनके साथ वर्क। तो डू यू एक्सपेक्ट सम गुड रोल फॉर यू इन हिंदी मूवीज? बिकॉज काफी एक्टर्स हैं जो रीजनल लैंग्वेज से आए हैं और हिंदी में नाम कमाया। गुजरात से ऐसे हैं जैसे किरण कुमार जी हैं और अरुणा इनान जी गुजरात के सुपरस्टार थे, परेश रावल जी भी गुजरात के थे, तो वो आगे आए हैं, तो मेरा भी है कि मैं हिंदी में आऊँ, क्योंकि हिंदी का ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में दिखते हो आप। हाँ, बिल्कुल। और चाहेंगे हिंदी में आए, बट बस मालिक अगर करे कि हिंदी में कभी मौका दे दे। चलिए, आपका ये सपना जरूर साकार हो जल्दी ही, और आपने टाइम निकाला हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।